हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टॉक मनी मेकर्स एमसेट्स यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे 16 नवंबर यानी कल से लेकर 20 नवंबर के वीकली टेक्निकल लेवल्स के बारे में। सबसे पहले आप स्टॉक मनी मेकर्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हो। आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, जहाँ पर एमसीएक्स और इक्विटी दोनों टेलीग्राम चैनल की लिंक अवेलेबल है। और आप हमारे रेफरेंस में एलआईएस ब्लू में अकाउंट भी ओपन कर सकते हो। आपको लाइफ टाइम प्रीमियम कॉल्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे इक्विटी और एमसीएक्स में। अब हम बात करते हैं क्रूड ऑयल से। सबसे पहले हम क्रूड ऑयल से चालू करते हैं आने वाले वीक के टेक्निकल लेवल्स के बारे में। तो स्टॉक मनी मेकर्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख सकते हो क्रूड ऑयल में हमने 240 मिनट्स यानी कि 4 आवर्स का टाइम फ्रेम यहाँ पे यूटिलाइज किया है। नेचुरल गैस में हमने 2 आवर का टाइम फ्रेम लिया है और कॉपर में भी हमने 2 आवर का टाइम फ्रेम लिया है। 4 आवर का टाइम फ्रेम हमने क्रूड ऑयल में इसलिए लिया है क्योंकि क्रूड ऑयल बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल है अगर हम छोटे टाइम फ्रेम में देखते हैं। तो आप बाई कर सकते हो क्रूड ऑयल को 3059 से। अब 3059 से मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप देख सकते हो उसका जो नियर टर्म सपोर्ट है 2986 का, ये पहले रेजिस्टेंस था लेकिन उसने फ्राइडे के दिन में इस पे एक हाई क्लोजिंग दी है। 3007 पे क्रूड ऑयल ने क्लोजिंग दी है। 2956 तक की डाउनफॉल उसने देखी थी और वहाँ से वो रिबाउंड हो गया और उसने अपना रेजिस्टेंस ब्रेक कर दिया 2986 का। तो अभी ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल की तरह एक्ट करेगा। 3059 के ऊपर आपको क्रूड ऑयल हाईली बुलिश मिलेगा और आप वहाँ पे बाइंग कर सकते हो। आपका स्टॉप लॉस जो रहेगा वो 2990 का रहेगा यानी कि 0.61% का फिबोनाची रिट्रेसमेंट रहेगा। यहाँ पे आपके सामने हमने फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ किया हुआ है प्रीवियस हाई और प्रीवियस लो के बेसिस पे। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे जो ट्रेडर्स है जो आपको कॉल्स प्रोवाइड करते हैं, कभी कभी आपने फिबोनाची रिट्रेसमेंट अपने चार्ट्स पे भी खोल के रखा होता है लेकिन हमारे लेवल से अलग रहता है। उसका रीज़न ये कि 2-3 प्राइस एक्शन, ज़्यादा प्राइस एक्शन टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर हमारे ट्रेडर्स आपको कॉल्स प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस आपको मिलेगा हमारे कॉल्स पे और इस पे। तो अगर आपको हमारी कॉल्स पसंद आए तो आप जाके अकाउंट ओपन कर सकते हो एलआईएस ब्लू में और आपको लाइफ टाइम प्रीमियम मेंबरशिप फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि 2986 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो क्रूड ऑयल को आप बाय कीजिए 3059 से। स्टॉप लॉस 2990, टारगेट 3108 और 3160। 3108 का टारगेट इसलिए क्योंकि वो 0.78% का फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल है। यहाँ पे आपको अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग भी देखने मिल सकती है। अगर क्रूड ऑयल ने हाईली बुलिश मूव दिखाया यानी कि मंडे या ट्यूसडे दो दिन के अंदर उसने 0.78% का रिट्रेसमेंट क्रॉस कर दिया तो ज़्यादा चांसेस है कि क्रूड ऑयल 3160 का टारगेट भी आने वाले वीक में अचीव कर सके। और सेल साइड आपको देखने मिलेगा अगर वो 2980 ब्रेक करता है, क्रूड ऑयल का जो नियर टर्म सपोर्ट था स्ट्रॉन्ग सपोर्ट वो 2986 का है, लेकिन थोड़ा सा भी अगर फेक स्पाइक होगा तो वो इतना नहीं गिरेगा। आप सेल कर सकते हो 2980 से। स्टॉप लॉस 3008 का रहेगा और टारगेट 2956 जो कि उसका नियर टर्म सपोर्ट है 2956 का, तो ये आपका डाउनसाइड फर्स्ट टारगेट हो जाएगा। सेकेंड टारगेट आपका 2901 जो कि 0.50% का रिट्रेसमेंट लेवल है और थर्ड टारगेट आपका 2875 का हो जाएगा। तो ये तीनों डाउनसाइड टेक्निकल लेवल्स आप आने वाले वीक में क्रूड ऑयल में फॉलो कर सकते हो, अपसाइड एंड डाउनसाइड। अब हम बात करेंगे नेचुरल गैस की। तो नेचुरल गैस में आप देख सकते हो 0.78% उसके नीचे ही नेचुरल गैस ट्रेडिंग कर रहा है। 4-5 बार उसने ये रेजिस्टेंस को क्रॉस करने की कोशिश की लेकिन हर बार वो फेल हो गया है। नियर टर्म जो टारगेट था उसका 229.20 वहाँ से वो वापस रिबाउंड हो जा रहा था। तो मेरे हिसाब से नेचुरल गैस अभी के लिए नेगेटिव है। अब सेल कर सकते हो 220.90 पे। उसका जो क्लोजिंग था फ्राइडे को वो 223.7 का था। अब 220.90 पे उसको सेल कर सकते हो। स्टॉप लॉस 222, टारगेट आपका 218.10, सेकेंड टारगेट 214.90 और थर्ड टारगेट 206 का रहेगा। अगर आपको बाई करना हो तो 226.20 से आपकी बाइंग चालू होती है नेचुरल गैस में जो कि 0.78% का रिट्रेसमेंट लेवल है। तो इसके ऊपर स्ट्रॉन्ग रैली मिल सकती है लेकिन उसमें भी एक दो क्राइटेरिया, जैसे कि 1-2 घंटा अगर वो सस्टेन कर रहा है, 1-2 आवर के लिए अगर वो सस्टेन करता है नेचुरल गैस 0.78% के ऊपर तो आप बाई कर सकते हो उसको।
स्टॉप लॉस 221.10, टारगेट 229.20, 234.40, यानी कि 234.40 तक नेचुरल गैस जाने की ताकत रखता है। लेकिन सबसे पहला पॉइंट है 226.20 का फिबोनाची लेवल के ऊपर, उसको कम से कम 1 से 2 घंटा सस्टेन करना पड़ेगा ताकि वो फर्दर अप मूव देख सके मार्केट में। अब हम बात करते हैं कॉपर के टेक्निकल लेवल्स के बारे में। तो कॉपर में 0.78% ने बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना के रखा है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कॉपर हर बार एक अपमूव दे रहा है, ऊपर के साइड उसने अपमूव दे रखा है कॉपर ने। तो आप बाई कर सकते हो 540-541 के रेंज में, जो कि उसका नियर टर्म लेवल है बाई करने का। फ्राइडे को अगर आप देखोगे क्लोजिंग तो 541.65 की थी, लेकिन मंडे से अगर आपको कॉपर मिल रहा है 540-541 के प्राइस पे, 1-2 घंटे से वो वही रेंज में घूम रहा है, तो आप उसको बाय कर सकते हो। स्टॉप लॉस 537.45 का रहेगा और टारगेट 543.15 और 549 का रहेगा। अगर हम डाउनसाइड बात करते हैं तो कॉपर का डाउनसाइड ओपन ही है। जैसे ही ये लेवल ब्रेक हो जाता है 537.45 का, इसके नीचे कॉपर का डाउनसाइड कम से कम 9 रुपये का ओपन है, 9 रुपीज का डाउनसाइड कॉपर में ओपन है। लेकिन प्रॉफिट बुकिंग कहाँ कहाँ आपको देखने मिल सकती है, मैं वो आपको टारगेट के हिसाब से बता रहा हूँ। 535.45 बराबर, इसके नीचे आप सेल कर सकते हो, आप सेल कर सकते हो 535.40 पे। टारगेट आपका फर्स्ट प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने मिलेगी 532.20 पे, तो ये आपका फर्स्ट टारगेट हो गया। और सेकंड टारगेट आपका 528.35 हो जाता है। 528.35 आपका 0.61% का फिबोनाची लेवल हो जाता है, तो ऑलमोस्ट 9 रुपया डाउन कॉपर हो जाता है 537.45 से। लेकिन सेलिंग प्रेशर आपको 535.40 से अच्छा मिलेगा, इसलिए आप सेल करो 535.40 पे। टारगेट आपका 532.20 और 528.35 का। स्टॉक मनी मेकर्स को सब्सक्राइब करना ना भूले, और डेली इंट्राडे कॉल्स अगर आपको चाहिए हमारे तरफ से, तो आपको बस हमारे रेफरेंस में जाना है, LIS ब्लू में अकाउंट ओपन करना, और आपको लाइफ टाइम प्रीमियम कॉल्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी इक्विटी और MCX में। आप हमारी वेबसाइट stockmoneymakers.com को भी विजिट कर सकते हो, हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे भी आप जाके ज्वाइन हो सकते हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, हैप्पी ट्रेडिंग।